मौजूद है और बुजारी हमें साथ में लेके चल रही हैं कोंडा गांव के इन रास्तों पर। बड़े मुश्किल रास्ते हैं ये और बुधियारी जो है बड़े मज़े से मस्त होके बाइक चला रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पे महिलाएं किस तरह से काम करती हैं। और हमने देखा है कि बुधियारी हमें देखिए महिला स्व सहायता समूह की ये भी एक सदस्य हैं, परिवार भी चलाती हैं, खेतों में काम भी करती हैं। हमारा समूह का नाम है मनसा देवी। हाँ, मनसा देवी इनका समूह का नाम है। और बुधियारी करती क्या हो? ग्राम संगठन का गुलाब महिला ग्राम संगठन कोनगुड़। हाँ हाँ। उसका सचिव हूँ और कोनगुड़ क्लस्टर का अच्छा भी सचिव। अच्छा, धन्यवाद। तो ये है दंगल के रंग, छत्तीसगढ़ की महिलाएं आप कह सकती हैं। दंगल के दबंग भी हैं और ये दंगल के रंग भी हैं। तो ये है बस्तरिया शान जो मैंने आपको दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दंगल के रंग में मैं एक और चीज़ बहुत स्पेशल लेकर आई हूँ कोंडा गाँव से, वो ये है कि ये टूटी हुई स्कूल की इमारत ज़रा देखिए, जर्जर हालत है। अंदर यही आदिवासी औरतें बना रही हैं इस बिल्डिंग को, एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी लाइनें आपने देखी होंगी दीवारों पर लिखी हुई हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो आज्ञा पालन करना जानता है वही आज्ञा देना भी जानता है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अभी एक तरफ देखिए ज़रा मेरे इधर साथ में, कि ये लोगों ने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि आप हमें रोक नहीं पाएंगे, हमें शिक्षा मिलेगी, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे। ये सपने संजोए ये तमाम बच्चे आपको इस टूटी हुई स्कूल की इमारत के नीचे नजर आ रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के रंग हैं। जरा प्रार्थना मुझे एक बार गा के सुना दीजिए अपने स्कूल की प्लीज़, क्योंकि ये कम से कम जो देश में बैठे हुए लोग हैं ये समझें कि छत्तीसगढ़ बस्तरिया से ये आवाज़ उठी है। एक बार वो प्रार्थना प्लीज़, प्रार्थना जरा गा के सुनाएं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वेरी गुड, थैंक यू, तालियां, थैंक यू। ये ढोल ताशों के बीच ये जो नृत्य आप देख रहे हैं ये नृत्य है, मादरी नृत्य है। ये आदिवासी किसी भी खुशी के माहौल में, शादी में ये नृत्य करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। और ये झूमना नाचना, ये पहनावा, ये पोशाकें आप देखिए, ये है छत्तीसगढ़ और ये है बस्तर और ये है बस्तरिया नृत्य। Thank you.
सभी के सामने और ये बताता है कि इसका जो जोश है, जितनी हिम्मत है, देखिए मेरी सांस फूल रही है। मैंने कोशिश की लोगों के साथ यही नृत्य करने की और ये नृत्य शादी ब्याह बारात किसी खुशी के मौके पर दशहरे में ये नृत्य किया जाता है। मेरे साथ मांझी हैं और ये पूरे सभी देवी देवताओं के मुखिया कहे जाते हैं, जैसे मठ होते हैं या शंकराचार्य होते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये मुखिया हैं। इनका नाम है इनका नाम मांझी है। मांझी, आपका क्या रोल रहता है, आप अपना ये बताइए। आपको हम, जैसे आपने बताया आप मुखिया है देवी देवताओं के, तो कितने देवी देवताओं के मुखिया है, कितने गांव के मुखिया है? मैं 18 जिला 18 गड़िया मांझी हूँ। मैं कोनपुर के रहने वाला हूँ। देवी जो जितने भी देव हैं उसका भी मांझी हूँ और प्रत्येक गांव में मैं जाता हूँ और समझाता हूँ दशहरा में कौन सा डेट में जाना है और देवता में यात्रा होता है, मेला होता है, उसमें भी जाके डेट तय करके गांव गांव में बताते हैं। अच्छा, ये बड़ी पूजा जो होती है उसमें होता है। संजीव, अब आप बताइए कि मांझी का रोल। देखिए, यहाँ के जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी गांव में, तो उसके जो मानते हैं, तो ये 75 गांव के देवी देवताओं के मुखिया का कहा जा सकता है। और जितनी भी समस्याएं अगर कहीं किसी गांव में होती है उन 75 गांव में, तो उनका निराकरण भी इनके द्वारा किया जाता है। और जैसे किसी शादी में समस्या है या किसी परिवार में कुछ है, तो वहाँ अगर देवी देवताओं के ऊपर इनका काफ़ी विश्वास होता है, अगर उनकी समस्या वहाँ का अगर कोई समाधान नहीं होता है, तो जितने भी गांव वाले हैं वो समस्या को लेके मांझी के पास आते हैं, फिर ये उस समस्या का समाधान वहाँ पे करते हैं। अच्छा, तो मांझी, एक और बात कि आप ही का परिवार ये करता है, और भी परिवार इसमें शामिल है, ये आप ही का पीढ़ी दर पीढ़ी है? ये मांझी पीढ़ी दर पीढ़ी है। अच्छा, मतलब ये आप इन्हीं का रहता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो होता है, जिससे जिस परिवार से है लगातार मांझी उसी परिवार से होता है। अच्छा,